डॉक्टर शिवाज सिंह, आपका ऑनलाइन ट्यूटर एसी एजुकेशन एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पिछले वीडियो में इलास्टिक लूप इन वन डायमेंशन क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उसमें हमने वी वन डैश और वी टू डैश मालूम किया था, यानी इलास्टिक बॉडी बिफोर कोलिजन को इस्तेमाल करते हुए इलास्टिक ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन, यानी फर्स्ट बॉडी की जो इलास्टिक आफ्टर कोलिजन थी वी वन डैश, और सेकेंड बॉडी की जो इलास्टिक आफ्टर कोलिजन वी टू डैश मालूम की थी। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को वी वन डैश और वी टू डैश के क्वेश्चंस को इस्तेमाल करते हुए दो मजीद केसेस को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम दो अगले केसेस जो सॉल्व करेंगे, यानी केस वन और केस टू फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में, इस वीडियो में पेश करेंगे, आपके सामने पेश करेंगे, और जो केस थ्री और केस फोर है वो हम इससे अगले आने वाले वीडियो में आपके लिए पेश करेंगे। यहाँ तो स्टूडेंट केस नंबर वन शुरू करते हैं। ये स्पेशल केसेस है और इस केस में जो है वो हमें बताया गया है कि व्हेन मास m1 इज इक्वल टू m2, यानी जब दोनों बॉल जो है, पहली बॉल यानी जिसका मास m1 है, दूसरी बॉल जिसका मास m2 है, वो एक जैसी हो जाती है, c इक्वल टू m, तो फिर उनकी वेलोसिटी जो आफ्टर कोलिजन में क्या फर्क पड़ता है। तो जब ये केस सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे जो वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की थी यानी v1 जो थी, वो वेलोसिटी बन गई है v2 डैश की, यानी फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी v2 डैश दूसरी बॉल उनके पास शिफ्ट हो गई है, मतलब वेलोसिटी जो है v2 की जो थी वो v1 डैश के पास आ गई, यानी सेकंड बॉल की वेलोसिटी जो है वो फर्स्ट बॉल ने हासिल कर ली, यानी दोनों बॉल्स ने आपस में वेलोसिटी इंटरचेंज कर ली है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन v1 डैश इक्वल टू m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 * v1 + 2m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 * v2, और इन चूंकि हमने कहा है कि m1 और m2 इक्वल है तो cs को हम इक्वल टू m कह देते हैं, m1 और m2 दोनों की जगह पे m लगाएंगे, तो m minus m divided by m plus m into v1 plus 2m, क्योंकि m2 था तो उसकी जगह m लगा दिया, divided by m plus m into v2, और ये m minus m कट जाएगा तो 0 divided by m plus m 2m into v1, और ये 2m divided by m plus m 2m into v2, तो ये सारी क्वेश्चन 0 से मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगी और ये 0 रह जाएगी, सारा हिस्सा जो 0 रह जाएगा और ये 2m का कट जाएगा और v2 रह जाएगा, तो ये 0 plus v2 in v1 dash is equal to 0 plus v2, v1 dash is equal to 0 plus v2, या सादा लफ्ज़ों में 0 को प्लस करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v2 रह जाएगा, या सादा लफ्ज़ों में v1 is equal to v2, यानी जो वेलोसिटी थी सेकंड बॉल की वो फर्स्ट बॉल को मिल गई आफ्टर कोलिजन। अब हम देखते हैं दूसरा हिस्सा इसी केस का जिसमें v2 dash निकालेंगे, तो v2 dash is equal to 2m1 divided by m1 plus m2 into v1 plus m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into v2, और 2m divided by m plus m, क्योंकि हमने m1 m2 दोनों की जगह पे m लिखना है, तो 2m divided by m plus m into v1 plus m minus m divided by 2m into v2, तो m कट जाएगा, तो 0 divided by 2m into v2 plus 2m और नीचे भी 2m into v1, 2m कट जाएगा और v1 रह जाएगा, plus ये सारा part जो equation का वो 0 हो जाएगा, तो v1 plus 0 is equal to v1, यानी velocity का second ball after collision is equal to v1, यानी दोनों ball ने अपनी velocity interchange कर ली। तो आइए इस तरह को सॉल्व करते हैं। दूसरी बॉल जो है उसकी जो ब्लास्टिक का फर्स्ट बॉल है वो चेंज हो जाएगी ब्लास्टिक का सेकंड बॉल के तौर पे, और v2 डैश जो है वो v1 की वैल्यू जो है वो आ सकता है। तो अब देखते हैं v2 डैश जो है v1 के बराबर हो जाएगी, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए हम केस शुरू करते हैं, और केस को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि m1 is equal to m2 and m and v2 is equal to 0, तो m1 ये v1 डैश इज इक्वल टू m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into v1 plus 2m2 divided by m1 plus m2 into v2, तो m1 और m2 की जगह पे हम m जो है वो लिख देंगे, तो m plus m minus m divided by m plus m into v1 प्लस 2m और m प्लस m अगेन 2m हो जाएगा, ये m प्लस m भी रहने दें। अब चूंकि v2 0 है इसलिए 0 इन सबसे मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर देगा, और ये जो है m और m कट जाएगा तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, 0 की वजह से ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सो लास्ट का फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन v1 डैश इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं v2 डैश, तो v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 * v1 + m2 - m1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 * v2, तो 2m की जगह 2m1 की जगह और m2 की जगह हमने m प्लेस कर देना है, सो
2m1 की जगह 2m और m plus m v1 m minus m divided by m plus m into 0 और ये सारी सारा पार्ट इस क्वेश्चन का 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करके और ये जो है 2m और ये m plus m will be 2m हो जाएगा 2m into 2m 2m divided by 2m कट जाएगा प्रश्न और v1 रह जाएगा तो v1 plus 0 is equal to v1 so we'll ask the second ball after collision which is v2 dash is equal to v1 तो अगेन इस केस में वेलोसिटी इंटरचेंज हुई है लेकिन चूंकि वेलोसिटी सेकंड वॉल की जीरो थी तो उसकी वजह से फर्स्ट वॉल जो है वो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और सेकंड वॉल की वेलोसिटी जो है वो फर्स्ट वॉल की वेलोसिटी के बराबर हो गई है सादा लफ्जों में दोनों अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज कर रहे हैं सो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़